वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एम वी मोड्स की एक और नई वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सोनी के एम्पलीफायर की, 4 चैनल एम्पलीफायर की अनबॉक्सिंग करी थी, और वही एम्पलीफायर अब मैं अपनी गाड़ी में कस्टम फिट करने वाला हूँ। जैसे आप सबको बताएं, मेरी गाड़ी CNG की है, CNG की वैगन आर है मेरे पास, और CNG की गाड़ी में एम्पलीफायर लगाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ आगे वाली सीट्स पे एम्पलीफायर लगा पाते हैं, कोई पीछे ज़्यादा इसलिए नहीं सोचता है क्योंकि रीज़न ये है कि CNG से मगर शॉर्ट सर्किट हुआ एम्पलीफायर में तो आग भी लग सकती है। लेकिन मैंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है कि मतलब जहाँ पर आप सेफली गाड़ी में एम्पलीफायर फिट करा सकते हैं रियर सीट के पास। तो पूरा देखिए इस वीडियो को, और जैसे कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा, ये चीज़ आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और अगर जैसे कि मतलब आपसे नहीं हो पा रहा तो बाहर से भी करवा सकते हैं। लेकिन काफ़ी इजी स्टेप्स हैं, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, घर पे बैठे बैठे करो, और मतलब अपने हाथ से चीज़ करने में बहुत ही अलग ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एक मैं मैसेज अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहता हूँ और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि इस वीडियो में आप पहले अजम्पशंस मत करना कि मतलब थोड़ी वीडियो देखी और आप कमेंट में पूछने लगे। पूरी वीडियो देखो, आपके हर एक जवाब का आंसर आपको पूरी वीडियो में मिलेगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो हेयर वी स्टार्ट। सो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको लकड़ी की कोई भी मोटी प्लाई लेनी है या फिर मोटी लकड़ी का कोई क्या बोलते हैं पीस लेना है, कैसा भी चलेगा, लेकिन थोड़ा मोटा होना चाहिए क्योंकि इसमें हमारा एम्पलीफायर फिट होने वाला है। और अपनी CNG की साइज़ के हिसाब से आप इसको क्या बोलते हैं कट कर सकते हैं। बाकी ये जो मेरे को अभी एक पीस मिला है, मेरे को ये पीस अभी अपने घर पर पड़ा हुआ मिला है, बाकी इसको अभी मैं अभी चेक करता हूँ कि ये एग्जैक्ट फिट हो पाएगा या इसको हमें थोड़ा बड़ा पीस लेना पड़ेगा या इसको ट्रिम करना पड़ेगा। बाकी मैं अभी आपको गाड़ी में लगा के दिखाता हूँ कि मतलब किस साइज़ में इसको मेरे को कट करना पड़ेगा और कहाँ पे एग्जैक्टली मैं सोच रहा हूँ प्लेस करने की, मैं आपको सब कुछ दिखाऊँगा। सो अभी हम अपनी सीट्स को अनफोल्ड कर देंगे। एक्चुअली क्या होता है कि लोग गाड़ी में एम्पलीफायर्स बैक सीट के पीछे लगाते हैं, काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है उसकी भी, लेकिन अगर हम बैक सीट के पीछे लगाएंगे तो हमारी जो वूफर बॉक्स और CNG है उसके साथ एम्पलीफायर्स टकराएंगे और ये बंद भी नहीं हो पाएंगी सीट्स पीछे वाली। तो जो स्पेस मैंने डिसाइड करी है वो स्पेस ये है, रियर स्टेपनी के ऊपर एक हम कार्डबोर्ड लाइक पीस ऐसे रखेंगे, फिर उसको हम एम्पलीफायर की फिटिंग करेंगे। उससे क्या होगा कि एम्पलीफायर की जो वायरिंग्स है वो एम्पलीफायर तक रहेंगी, ना वो सिलेंडर पर टच होगी, ना किसी वायर या किसी चीज़ पर टच नहीं होंगे, वो सेपरेट रहेंगी। सो, एक बार हम जो लकड़ी का जो पीस लेकर आए थे उसको एक बार रख के देखते हैं वो घुस रहा है या नहीं घुस रहा है। जैसे कि ये नहीं घुस पा रहा है, ये बड़ा है तो इसमें ऑलरेडी एक मार्जिन बना हुआ है। मैं सोच रहा हूँ इसको इसी के मतलब इतना पीस को काट लूँ फिर इसको लगा के देखूँ। एक बार इसकी कटिंग करते हैं फिर मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। और इसका भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ लकड़ी नहीं लगाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ इस पर पेंट या पॉलिश कुछ करूँ। बाकी वीडियो को आगे तक देखिए, जो भी मैं प्रोसेस करता हूँ काफ़ी अच्छा होने वाला है। आप आ रही है ब्लेड, किसी का भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे एक ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ इसको काटने के लिए, और इजीली ये कट भी हो रहा है जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ तक मैं कट कर चुका हूँ, अभी थोड़ा और कट करना है फिर मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। जो पीस है वो मैंने कट कर लिया है और अब इसकी फाइनल फिटिंग करके देखते हैं कि ये इसमें फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा जो पीस था वो अच्छे से फिट हो गया है और आप देख सकते हैं किसी भी साइड्स को कहीं से टच नहीं कर रहा है, ना सिलेंडर को टच कर रहा है, ये सिर्फ स्टेपनी पर रखा हुआ है। और यहाँ पे मेरी सारी एम की वायरिंग हुई हुई है, और अभी पहले इसको फाइनल करते हैं। वुडन पीस है, इसको काफ़ी ऑड लग रहा है अभी ये देखने में, इसको फाइनल करते हैं फिर इसकी थोड़ी सेटिंग बिठाएंगे कि मतलब इसमें एम किस साइड आएगा और वायरिंग कहाँ से निकालनी है। तो यहाँ पे मेरा
पेंट और ब्रश तैयार है और मैं इसको पेंट कर रहा हूँ ब्लैक कलर में, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लैक कलर अवेलेबल था। ये वुडन पेंट, आप कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हो इस पे करने के लिए। सो पेंट वर्क ख़त्म हो चुका है वुडन पीस का, इसको भी मैं सूखने के लिए रख रहा हूँ, फिर इसको मैं फिट करूँगा और आप सबको दिखाऊँगा। सो गाइस, जो हमारा वुडन पीस है वो सूख कर एकदम तैयार हो चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देखने में भी, और नहीं लग रहा है पहले की तरह। तो ये पूरा सूख के तैयार हो चुका है, इस पे अब हम अपना एम्पलीफायर फिट करते हैं और मैं डायरेक्शंस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपना एम्पलीफायर फिट करना है और कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट तरीका है उसमें हमने क्या किया है कि हमने जो एम्पलीफायर है वो सीधे सीधे लगाया है और इसके जो टर्मिनल्स हैं वो बाहर की साइड रखे हैं, जिससे कि अगर हम दो एम्पलीफायर फिट करना चाहें और टर्मिनल्स आपस में एक दूसरे से ना जुड़े तो काफ़ी क्लीन लग रहा है, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। और इसमें ये चीज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको पीछे दो एम्पलीफायर लगाने हैं, जैसे कि एक ही हमने एम्पलीफायर इस साइड लगा दी और दूसरा एम्पलीफायर आप यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन मेरे को अभी सिंगल एम्पलीफायर वर्क करना है तो मैं उसको ऐसे बीच में लगाऊंगा। तो जो एम्पलीफायर की फिटिंग है वो मैं कुछ ऐसी करने वाला हूँ और ऐसी प्लेसमेंट रहेगी मेरे एम्पलीफायर की। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके मन में आएंगे कि आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते थे, लेकिन छोटा होने से क्या है कि ये फिट नहीं आता उस पर अच्छे से, ये हिलता डुलता रहता। ये बड़ा भी है, इसके दो फायदे ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको पहले बताया कि एम्पलीफायर दो आप लगा सकते हैं, कल को आप चाहें यहाँ से अपने नट्स निकालें, एम्पलीफायर को शिफ्ट करें, दो एम्पलीफायर भी लगा सकते हैं आप पीछे अपनी गाड़ी में। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि ये एकदम फिट होके रहेगा, अगर आप थोड़ी बहुत फोम लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये वुडन वीक छोटा होता तो उसको हमें लगाने के लिए थोड़ी दिक्कत आती और वो जैसे ही आपकी गाड़ी चलती वो हिलता डुलता रहता। सो एम्पलीफायर हम फिट कर चुके हैं, मैंने दोनों साइड्स में एक एक स्क्रू और नट लगाया है, मैंने चारों तरफ नहीं लगाया है क्योंकि दो स्क्रू से ही काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया था ये और मैं नहीं चाहता था अपने बोर्ड में ज़्यादा होल्स करना, इसलिए मैंने सिर्फ दो स्क्रूज लगाए हैं। बाकी इसको भी हम गाड़ी में डालते हैं और इसकी लुक चेकआउट करते हैं और इसके जो कनेक्शन है वो भी प्रॉपर करते हैं। सो गाइस, फिंगर्स क्रॉस्ड, अब हम इसको अंदर डालने वाले हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे। ये नीचे पूरी मेरी वायरिंग है, इसको भी मैं कनेक्ट करूँगा, इसको प्लग करूँगा और एम को ऑन करूँगा और आगे बैटरी के साथ भी टर्मिनल ज्वाइन करूँगा। सो अभी नेक्स्ट स्टेप मैं आपको जो दिखाऊँगा वो एम्पलीफायर फिट होते हुए दिखाऊँगा। एम की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है और अब इसकी वायर्स कनेक्ट करते हैं और जितनी जस्टिफिकेशन हो रही है मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि कैसा इसका लुक आ रहा है। बाकी जो साइड में थोड़े बहुत गैप्स बचे हैं इसमें मैं फोम डाल दूंगा, जिससे परमानेंटली वुडन की जो ये हमारा पीस है, वुडन पीस है, ये हिले ना बिल्कुल भी गाड़ी चलते हुए। सो हमने बैटरी, ग्राउंड और रिमोट के टर्मिनल्स लगा लिए अपने एम्प में, बाकी अभी जॉइंटर्स लगा के आरसी लीड कनेक्ट करते हैं। इनको आप जॉइंटर्स भी कह सकते हैं, वाई लीड भी कह सकते हैं, तो इसको भी कनेक्ट करते हैं एम्प में अपनी आरसी लीड के साथ। आरसी लीड्स की भी कनेक्शन हमने यहाँ पे कर दिए हैं। बाकी अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्पीकर्स कोई भी कनेक्ट नहीं करे हैं, तो स्पीकर्स कनेक्ट करने से पहले मैं एम्प को एक बार ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि एम्प वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे एम्प में ग्रीन लाइट आ गई है और
एक बार बिना फ्लैश के दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब हमारा एम्प अच्छे से वर्क कर रहा है, और ये अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होता तो यहाँ पे रेड लाइट आती। बाकी इसकी स्पीकर कनेक्शन मैं अभी बाद में करूँगा। सो गाइस, मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं अपनी पूरी गाड़ी का ऑडियो सेटअप रिवील करने वाला हूँ। सो वो वीडियो बिल्कुल मत मिस करना। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनी है ये। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। देखते रहें एमोट्स की वीडियो।